He was associated with Rao's IA Study Circle through the Foundation Program, QIP Program and Interview Guidance Program. सर फर्स्टली फाउंडेशन तो आई थिंक मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तैयारी में क्या चाहिए होता है. इवन वेरी ऑनेस्टली मैं तो सुबह से पढ़ के नहीं आया था. तो सबसे पहले तो मैंने करा कि आई ट्राई टू कंसोलिडेट नोट्स जो मुझे यहाँ मिल गए थे काफी अच्छे तरीके से. फाउंडेशन में एक्सपर्ट नॉलेज तो मुझे टीचर्स ने फैकल्टी में दी, उसके लिए मैं तो थैंकफुल हूँ. QIP में तो सर आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि क्रिस्प कॉन्टेंट जो होता है ना वो एकदम शार्प लेवल पर मिला था, लाइक एकदम प्रिसाइज नोट्स. सीनियर फैकल्टी जो रिटायर्ड IPS जैसे बोरा सर, प्रभु त्यागी सर फॉरेन ऑफिसर हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला. हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव अनुपम सिंह विद अस एंड ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 699 इन हिज सेकंड ईयर. He was associated with Rao's IA Study Circle through the Foundation Program, QIP Program and Interview Guidance Program. So first of all, congratulations Anupam. Thank you so much sir. Thank you so much for having me. तो कैसा लग रहा रिजल्ट के बाद? सर काफी अच्छा लग रहा है. अब मैं काफी सेटल्ड हूँ. इनिशियली तो काफी ओवरवेलमिंग थी ये फीलिंग. समझ नहीं आया था शुरू के 10 मिनट में. ऐसे बस स्टोन की तरह बैठा था कि ये क्या हो गया, मेरे नाम लिस्ट में है या नहीं, वो यकीन नहीं हो रहा था. फिर एक डेढ़ घंटा बहुत इमोशनल था, बहुत रोया. उसके बाद फाइनली जब मैं थोड़ा सेटल हो गया तो फिर अब मुझे ठीक लग रहा है. और नाउ आई कैन से कि यस नाउ आई हैव अब्सॉर्ब कि हां मेरा नाम लिस्ट में है. और रिजल्ट के बाद सबसे पहली कॉल किसकी है? सर एक्चुअली जब रिजल्ट का पता चलता है कि आज आने वाला है कल आने वाला है तो डेली टेलीग्राम पे ये सब चलता रहता है कि आ जाएगा एक घंटे में दो घंटे में. तो सर दो तीन दिन से चल रहा था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था. तो मैंने फोन वगैरह सब बंद करके बहुत दूर फेंक गया था. फिर मेरे घर पे मेडिसिन डिलीवरी करने वाला है तो उसके लिए मुझे लेट ऑन करना पड़ा ताकि मैं पेमेंट कर सकूं पेटीएम से. तो उस समय फिर मैंने देखा बहुत सारे मिस कॉल आ चुके, मैसेज आ चुके हैं और मेरे दोस्त मुझे गालियां दे रहे कि तुम फोन क्यों उठा रहे हो, तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करना है. तो तब मुझे पता लगा कि अच्छा ओके आई थिंक मेरा सिलेक्शन हो गया है. फिर मैंने लिस्ट में नाम देखा और फिर तब मुझे पता जब ये सब हो गया तो फिर मैंने सबसे पहले अपनी मदर को कॉल किया. फिर रोते रोते मैंने उनको बताया. उनको लगा कि मेरा हुआ नहीं है, सिर्फ मैं रो रहा हूँ. बट वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए ठीक से कि हो गया, मैं स्टिल रो रहा हूँ. खुशी कंट्रोल नहीं कर पा रहा. काफी इमोशनल मोमेंट हो जाता है. यस सर डेफिनेटली सर. ओके तो जैसे ही आपका सेकंड अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में भी आपने मेंस दिया था, इस अटेम्प्ट में आपने क्या चेंजेस करे दैट मेड यू बेसिकली क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन आल्सो एट द इंटरव्यू एग्जामिनेशन एंड फाइनली इन द लिस्ट? व्हाट इज द चेंज इन द स्ट्रेटजी दैट यू वॉट आउट इन दिस अटेम्प्ट जिससे आपका मेंस वाला जो हर्डल था वो सरपास हो पाया? सर लास्ट टाइम जब मैंने मेंस दिया था तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड ही नहीं था. मैं बस ऊपर ऊपर से दो तीन टॉपिक्स लेके चला गया था और आंसर आई थिंक स्ट्रिक्ट और डेडिकेटेड मैनर में ही कर गया था. तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि आई ट्राई टू कंसोलिडेट नोट्स जो मुझे यहाँ मिल गए थे काफी अच्छे तरीके से. उसके बाद आई रिवाइज मल्टीपल टाइम्स एंड आई द टू वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स पर आई स्टार्टेड स्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट्स इन माई माइंड. मैं लिखने का टाइम मुझे इस बार भी कम मिला लेकिन मैं हर क्वेश्चन का सोच के PYQs को देख के ये ट्राई करता था कि अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ और दो शीट मेरे सामने है तो कहाँ मैं क्या लिख जाऊँगा, वो एक मेंटल मैप पर बनाता रहता था बार बार. और कई बार इटरेशन करने में तो अच्छे उपयोग भी मिलते थे, कई बार इंट्रोडक्शन बहुत खराब थे और ओवर द टाइम मुझे समझा कि ये इंट्रोडक्शन अच्छे हो सकते हैं. तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर था कि जिससे मुझे लगा कि काफी इंप्रूवमेंट है. सेकंडली सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मैं पहले क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझ पाता था. मुझे जो दो चार कीवर्ड्स दिख रहे थे एग्रीकल्चर है जो मन में वो लिख के आ जाता था. इस बार मैंने डेडिकेटली ध्यान दिया कि वो पूछ क्या रहे और उसकी डिमांड को राइट फ्रॉम द स्टार्ट एड्रेस करना स्टार्ट कर दिया. तो वो काफी गेम चेंजर मुझे लगता हो गया. तो अनुपम जैसे कि आप राउत आई से जुड़े हुए पिछले तीन साल से, फाउंडेशन भी आपने यहाँ से किया, QIP देन इंटरव्यू गाइडेंस, तो राउत आई ने कैसे आपको हेल्प किया है तीनों स्टेज पर? सर फर्स्टली फाउंडेशन तो आई थिंक मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तैयारी में क्या चाहिए होता है. इवन वेरी ऑनेस्टली मैं तो सिलेबस पढ़ के नहीं आया था, जस्ट बिकॉज कर रहा था तो इसलिए उठा के चलाया था. और फिर जब मुझे पता कि जो सिलेबस इतना वास्ट होता है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और इतनी डिफिकल्ट स्टेजेस होती है, तो फिर वो ओवर द टाइम मुझे फाउंडेशन में ही समझ आया. फाउंडेशन में एक्सपर्ट नॉलेज तो मुझे टीचर्स ने फैकल्टी में दी, उसके लिए मैं तो थैंकफुल हूँ. बट एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये था कि टीचर्स यूज टू डिस्कस द PYQs. उससे ना मुझे हमेशा एक दिमाग में बना रहा कि मुझे कहाँ किस रोड मैप को देके चलना है. और जिनको कई बार आंसर लगते कि बेटा इसको ऐसे स्ट्रक्चर कर सकते तो एटलीस्ट एक हेल्प मिलती थी कि हाँ आई एम नॉट एब्सोल्युटली क्लूलेस, देयर इज सम सेंस ऑफ आइडिया कि हाँ भाई ऐसे आंसर लिखना होता है. तो वो काफी अच्छा था फाउंडेशन में. QIP में तो सर आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि क्रिस्प कंटेंट जो होता है ना वो एकदम शार्प लेवल पे मिला था, लाइक एकदम प्रिसाइज नोट्स.
और उनको भी मैंने अपने लेवल पे और ज्यादा प्रिसाइज कर लिया था कि भाई ये स्लाइड मेरे काम की नहीं, काटा पीटी कर दी मैं अपने टैबलेट में, बस हमेशा स्क्रिप्टिंग करता रहता था ये पॉइंट काम का नहीं है, तो उनको भी मैं और कंसाइज कर लिया था। 70 स्लाइड को मैंने 30 स्लाइड में कन्वर्ट कर लिया और वो रिविजन के लिए काफी हेल्प मिली। मेन्स में भी कई बार सर ऐसे आंसर मिल जाते थे, मॉडल आंसर जैसे इकोनॉमी में आई आई मुझे भी याद है, तो काफी हेल्प मिलती थी। एंड आई जी बी में तो सर मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, तो मैं फिर से क्लूलेस था कि कहाँ जाऊँ, तो जब मैं आया तो फिर काफी हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिला, इन द सेंस कि कौन सी सर्विस क्या होती है उसका भी आइडिया ज्यादा था नहीं, शुरू की 3-4 सर्विस देख के ही आ गया था, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सर्विस होती है उनकी भी रिस्पेक्ट डिग्निटी है और सिग्निफिकेंस क्या है वो सब यहाँ पे समझ आया। एंड देन गैप कैसे भरना है, हॉबीज को कैसे डिपेंड करना है, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग योर हॉबी, एनीथिंग एज योर हॉबी, एंड इवन योर हॉबी यू हैव टू राइट इन अ सर्टेन मैनर, इफ दिस इज माय हॉबी आई डू दीस स्पेसिफिक थिंग्स नॉट द एंटायर वर्ल्ड एंटायर सन इन दैट डोमेन, सो वो चीजों में हेल्प मिली। एंड फाइनली जो मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था यहाँ पे, आई स्टिल रिमेंबर द डे, वीए वोरा सर चेयरमैन थे और उन्होंने मुझसे काफी वेरी टू द पॉइंट स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस पूछे थे, और जब मैं टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पाया था तो वो काफी अनॉय भी होते, और मैं काफी डिसहार्टेड था लेकिन आज मैंने इतने सीनियर ऑफिसर को आज मैंने अनॉय कर दिया, आई थिंक मैं इंटरव्यू भी कर जाऊँगा, मेरे परसेप्शन बनने लग गया था। फिर थैंकफुली प्रभु दयाल सर ने ही जब टेक ओवर किया था इंटरव्यू, तो उन्होंने काफी इंकरेजिंग वर्ड्स बोले थे, और उन्होंने आई स्टिल रिमेंबर दैट ही डिड नॉट टेल कि यू कैन डू इट, ही सेड यू विल डू इट, सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड ट्राई टू पॉज बिफोर सेइंग एनीथिंग, सो दोस काइंड वर्ड्स एंड एनकरेजिंग वर्ड्स ऑफ प्रभु दयाल सर आई जस्ट कैन नॉट फॉरगेट, एंड हिज स्माइलिंग फेस, द वे ही जस्ट पुट हिज फेथ इन मी, आई स्टिल रिमेंबर दैट, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, दैट्स रियली नाइस। और अनुपम इन तीनों स्टेजेस में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेज कौन सी लगी? सर आई फील इंटरव्यू स्टेज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए पर्सनली, फर्स्टली बिकॉज ये बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था और मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी था, और आई थिंक मैं उस चैलेंज को ओवरकम कर पाया। लर्निंग इसलिए क्योंकि मुझे इतनी रिस्पेक्टेड सीनियर फिगर थी जो रिटायर्ड आईपीएस जैसे बोरा सर, प्रभु दयाल सर फॉरन ऑफिसर रहे, तो उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उनका करिश्मा, उनकी नॉलेज एक अलग ही लेवल पर होती है, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे अगर मैं स्टेज पर आया तभी उनसे मिल पाया। और सर मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, मेरे फादर की हेल्थ ठीक नहीं थी, तो आई थिंक वहाँ पे मेरा रेजिलियंस बहुत ज़्यादा टेस्ट हुआ, और मेरे फादर के सपोर्ट, उनके अंडाइंग स्पिरिट, उसने मुझे बहुत हेल्प करा, तो आई थिंक जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन मेरे फादर चल नहीं पाए थे ठीक से, स्टिल ही अकंपनीड मी टू द इंटरव्यू प्लेस लाइक टू द डॉक्टर हाउस, एंड आई लाइक आई यूज्ड टू ऑलवेज सी ही भाई मतलब अपने लिए भले नहीं लेकिन इनके लिए तो डेफिनेटली निकाल के दिखा रहे हैं, तो वो फीलिंग हमेशा रही थी। पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा अनकंडीशनल रहता है आपके साथ। आई डोंट सी यू गेटिंग इमोशनल अभी भी, और वो सही बोलते हैं कि यूपीएससी से वो आदमी ही निकालता, वो पूरा पेरेंट्स भी निकालते हैं, साथ साथ फैमिली भी करती है, क्योंकि वो देखते हैं आप कितने इनपुट डाल रहे हो, एंड देयर सपोर्ट इज आल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। यस सर, फाइनली देख भी लिया, इट्स वेरी हार्टिंग टू सी यू दैट यू हैव बेसिकली क्लियर इट। फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका, जो आ रहा है प्रिपरेशन में, जो आना चाहता है, such that ki wo bhi ek journey ko conclusion kare aur achhi tarah clear kare? Sir, one has to be very focused and open. Ye ek bahut hi important words hai jo maine over the time realize kare. Focus in the sense that you have to follow the syllabus, you have to follow the PYQs, and you have to be dedicated. And open in the sense that you should not be rigid in your approach. Agar essay mein is style of writing se answer nahi mil raha marks, so you have to change it. अगर आपका बोलने का स्टाइल इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट और यू हेजिटेट अ लॉट, देन यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू बी ओपन टू चेंजेस। सो दिस इज वन ऑफ द लर्निंग्स दैट आई हैव गॉट फ्रॉम वन ऑफ माय क्लासमेट्स, शी वाज वी वर क्लासमेट्स एंड शी वाज सिलेक्टेड इनटू द फॉरेन सर्विसेज 2 इयर्स अगो, एंड हर वेरी यूनिक क्वालिटी वाज दैट शी वाज ऑलवेज ओपन टू चैलेंजेस इन हर लाइफ, एंड दैट इज वन थिंग दैट आई हैव सीन, एंड आई रिकमेंड दिस टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स आल्सो, बिकॉज़ यू हैव टू बी ओपन टू अनसर्टेनिटी। You might be the hardest working person on this planet. Still, there might be external forces that are beyond your control. And maybe you are not so good now. It is possible that you have luck with your day. Your health is bad. Maybe your interview panel doesn't answer your question. Maybe your pen is bad. Or means your answer is wrong. So, in that case, you will not be able to. And that stage, you don't have to be too hard on yourself. You just have to be open to things. And you have to accept things. And life will not wait for nobody. So, you have to just keep moving. That is one thing I just want to give to the future aspirants. तो एक लास्ट सवाल मेरा अनुपम, के अभी रैंक आ गया 699 एंड होपफुली आईपीएस भी मिल जाएगा आपको, तो अभी क्या प्लान आ रहा है, क्या सोचा है? सर आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड माय रिलेटिव्स हु आई हैव बीन इग्नोरिंग फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स, आई लिसन टू देयर कंप्लेंट्स वेरी डेडिकेटेडली, एंड
just bow down to them and apologize that I have not been there whenever they needed me, especially my brother who was facing a lot of challenges. And I feel that I was not a very good brother to him because I kind of was not available for him whenever he needed me. Apart from that, I try to be connected with all my friends and I just try to enjoy this time till the call from foundation classes starts. ठीक है तो congratulations once again. Thank you so much sir. और आपने clear करा, we are very happy that you cleared it and enjoy this time thoroughly for yourself, enjoy time just with your family and also your friends. Sir, thank you so much. वो जो isolation का जो period है वो अब खत्म होता है और success शुरू होती है. Yes. Just enjoy this moment. Sir, thank you sir. Okay, thank you.